स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेप्टाइलियस के बारे में, रेप्टाइला के बारे में। सो रेप्टाइल्स के अंदर हम देखेंगे स्कल टाइप्स एंड कोटाइलोसोरस एंड साइमोरिया, इनके बारे में हम देखेंगे एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स से ही एंड इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो रेप्टाइल्स प्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट फुली अडेप्टेड फॉर टेरिस्टेरियल लाइफ एंड देयर आर मोर देन 9,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स ऑन दिस अर्थ एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑब्वियसली एनिमल्स एंड बिलोंगिंग टू द फाइलम कोर्डेटा। सो सबसे प्रिमिटिव यानी सबसे पुराना वर्टिब्रेट्स की जो क्लास है वो यही है, रेप्टाइल्स ही है। ओके, तो एंड बहुत सारी डाइवर्सिटी है वो रेप्टाइल्स में है, वो देखी जा सकती है। 9,000 यानी 9,000 अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है वो रेप्टाइल्स में है, वो देखी जा सकती है। ठीक है, सो जैसे कि हम स्कल टाइप की अगर हम बात करें तो स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। ओके, सो स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक होता है रेप्टाइला में एंड द कोटाइलोसोरस है वो है एसेंस्ट्री होते हैं रेप्टाइल्स के होते हैं। ठीक है, होते थे। सो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेम रेप्टाइल्स द इवॉल्व फ्रॉम लेबायरिंथोडोंट्स एंड एम्फीबियंस। ओके, सो इनसे है वो ये इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, लेबायरिंथोडोंट्स जो एम्फीबियंस है। सो इन कार्बोनिफेरस पीरियड, जो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने पीरियड्स के बारे में हम बात किए थे। ठीक है, सो उसमें कार्बोनिफेरस है वो पीरियड आता है। ठीक है, तो उसमें है वो इनका इवोल्यूशन हुआ था रेप्टाइल्स का। ठीक है, एम्फीबियन से। सो पीरियड्स जैसे कि सिलूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, जुरेसिक, तो ऐसे है वो पीरियड आते हैं, उसमें से कार्बोनिफेरस में है इनका इवोल्यूशन है वो हुआ है। ठीक है, सो जो सिलूरियन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सो सिलूरियन जो सेमोरिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो सेमोरिया रेप्टाइल्स में है तो वो लिजार्ड लाइक एनिमल है विद द पेंटाडेक्टाइलिस लिम्स। पेंटाडेक्टाइलिस लिम्स यानी जिसमें पांच, जैसे कि हमारे अंदर पांच अंगुलियां है। ठीक है, तो पेंटाडेक्टाइलिस लिम्स, लिम्स में जैसे कि हाथ में हो गए, ठीक है, पैर हो गए, फोर लिम, हिंड लिम एंड ए शॉर्ट टेल भी होती है एंड प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइंस इंडिकेट इट्स एम्फीबियन हैबिटेट। तो लेटरल लाइंस भी है वो जैसे कि प्रिमिटिव है रेप्टाइल्स में होती थी एंड जो कि वो बताता है कि इनका एवोल्यूशन है वो एम्फीबियन से है वो हुआ है। ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस के बहुत सारे लार्वा में भी है वो लेटरल लाइंस देखी जा सकती है और बहुत सारे एडल्ट एम्फीबियंस है उनमें भी लेटरल लाइंस है वो होती है। एंड स्कल वाज मोनोडेक्टाइलिस फॉर बेटर मूवमेंट ऑफ हेड, तो हेड के बेटर मूवमेंट के लिए है मोनोकोंडाइलिक है वो हेड होता है। ठीक है, सो द पेराबिसिडा के बारे में अगर हम बात करें, सो दे पोजेस्ड सुपीरियर टेम्पोरल वेक्युलिटी इन द स्कल एंड वर अडेप्टेड फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ एंड प्लियोसोरस वाज मेराइन लॉन्ग नेक्ड फिश ईटिंग एनिमल विथ 15 मीटर लॉन्ग फुशिफोरम बॉडी, शॉर्ट टेल एंड पेंडल लाइक लिम्ब मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग पेडल लाइफ। तो स्विमिंग के लिए है वो लिम्स है इनकी मॉडिफाई होती है पेडल लाइक लिम्स में। ओके, सो प्लियोसोरस जो कि मेराइन है वाटरी एनिमल होते हैं। ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये भी रेप्टाइल्स में है वही आते हैं, ओरिजिन प्रिमिटिव एनिमल्स है बहुत पुराने। ठीक है, जो कि मेराइन वाटर में होते थे, तो ये सब ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स में है वो आते हैं। ओके, सो इसी में ही है प्लियोसोरस जैसे कि हमने बात की ऊपर, तो उसमें है वो स्कल है वो यूरिप्रीड्स टाइप के होते हैं एंड विथ ए सुपीरियर टेम्पोरल वेक्यूटी। सो अब बात करते हैं साइमोरिया एंड कोटाइलोसोरिया के बारे में एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ कोटाइलोसोरिया वाज साइमोरिया फाउंड इन द लोअर परमीनियन सेडिमेंट्स इन टेक्सास परहैप्स 250 मिलियन ईयर ओल्ड। ओके, तो इतना है ये प्रिमिटिव, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल है ये। ठीक है, साइमोरिया 250 मिलियन ईयर पहले का। ठीक है, सो इट वाज ए
it was a lizard like animal about 60 centimeter long with a comparatively thick body, relationship small pointed head, and with a dorsally placoid nostril and a short tail. Okay, so dorsal साइड में है वो नोस्ट्रिल है वो प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है. एंड हेड है वो स्मॉल होता है, पॉइंटेड स्मॉल हेड होता है. ओके, सो एंड टेल है वो शॉर्ट टेल भी होती है इनमें. सो इट हैड ए फ्यू रेप्टाइलियन फीचर लाइक एनेप्सिड स्कल्स एंड सिंगल ओसिप्टल ओसिप्टल कोंडाइल एंड लार्ज पेराइटल आई, लार्ज पेराइटल आई एंड फाइव डिजिट यानी कि पेंटाडेक्टाइलिस. ओके, सो जैसे कि ये है पेंटाडेक्टाइलिस जो कि रेप्टाइलिया में हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने थोड़ा देखा कि पेंटाडेक्टाइलिस होते हैं. सो फाइव डिजिट है वो देखी जाती है. ओके, सो इनके हेड स्कल से एंड नोस्टिल से और बहुत सारे है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से है वो रेप्टाइलिया को है वो प्रजेंट करते हैं. रेप्टाइलिया से है वो रिलेशनशिप है वो दिखाते हैं समय जो कि 250 मिलियन ईयर है वो प्रिमिटिव एनिमल. कोटाइलोसोरिया के बारे में अगर हम बात करें, सो ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ लेट पेलियोजोइक एरा, सो पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा के लेट पेलियोजोइक एरा में अबाउट 250 मिलियन ईयर एगो ये भी. सो सम लेबायरिन थोडोंट्स जो कि हमने पहले देखा एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस gradually took on reptilians characteristics. These earliest reptiles are called the stem reptiles. Okay, तो जो लेबायरोडोंट्स है एम्फीबियंस है वो उनसे है वो इवॉल्व हुए हैं अपने रेप्टाइल्स जो कि हम कोटाइलोसोरिया के बारे में हम बात करें जो कि बहुत बहुत ही प्रिमिटिव है 250 मिलियन ईयर एगो की बात हम कर रहे हैं कार्बोनिफेरस के पीरियड में. सो दे बिलोंग टू द ऑर्डर कोटाइलोसोरिया. ओके, ऑफ द सब क्लास एनेप्सिडा एंड द ट्रांजिशन वाज सो ग्रेजुअल दैट ऑफन इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड अदर सम फॉसिल स्केलेटन आर दोज ऑफ एडवांस्ड एम्फीबियंस और प्रिमिटिव रेप्टाइल्स. ओके, सो एडवांस एम्फीबियंस है वही तो इवॉल्व हुए हैं इन रेप्टाइल्स में, तो इनके है वो कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं इनके फॉसिल्स. सो दे वर कंटेम्प्रेरी ऑफ द प्रिमिटिव एम्फीबियंस ऑफ लेट एंड अर्ली परमिनियन टाइम. सो इसका है ये इसका आप डायग्राम देख सकते हो कोटाइलोसोरिया के. सो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में. इस वीडियो के इस नोट्स का सारा क्रेडिट्स है वो साक्षी है को जाता है, तो इसीलिए ये मेरा नोट्स नहीं थे बिकॉज तभी मैं अटक रहा था बीच बीच में क्योंकि मेरे को थोड़ा राइटिंग है वो समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, तो ये बात थी. तो सारा नोट्स का क्रेडिट है वो जाता है साक्षी को. बहुत बहुत धन्यवाद. तो इतना ही था इस वाली वीडियो में. बाय.